हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा सरकार के द्वारा डाले गए एक अपडेटेड नोटिस की जैसा कि आप सबको पता होगा कि भाई जितने भी जो टेट एग्जाम है लाइक सी टेट है एच टेट है यूपी टेट है तो सभी स्टेट्स ने अलग अलग करके अपने स्टेट्स में ये बोल दिया है ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि भाई जो आपका पात्रता वाला शिक्षा शिक्षक पात्रता वाला जो पेपर अगर क्लियर है तो उसको आजीवन किया जाएगा पहले ये सात साल के लिए होता था वैलिड मतलब सात साल कवर हो जाते थे तो उसके बाद दोबारा देना पड़ता था लेकिन अब ऐसा नहीं है और जो हरियाणा सरकार के द्वारा जो अपडेट आई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ और कल ऑफिशियली नोटिस भी जारी किया गया था इसके रिगार्डिंग ये देखिए सी टेट को एस टेट के समान मान्यता शिक्षक भर्तियों में बढ़ेगी और स्पर्धा मतलब कंपटीशन हरियाणा के डेढ़ लाख पात्र शिक्षकों को झटका बड़ी भर्ती फिलहाल संभव नहीं है हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने एचटेट और एसटेट पास डेढ़ लाख पात्र शिक्षकों को बड़ा झटका दिया है प्रदेश में सीटेट मतलब अब युवा भी जेवीटी पीआरटी और टीजीटी नियुक्त हो सकेंगे विभाग ने सीटेट को एचटेट और एस्टेट के समान मान्यता दे दिया मतलब अगर किसी का सीटेट क्लियर है तो उसका एस्टेट ही क्लियर माना जाएगा इससे शिक्षा विभाग की भर्तियों में मतलब एस्टेट के इक्वल रखा जाएगा सॉरी एस्टेट के इक्वल रखा जाएगा इससे शिक्षा विभाग की भर्तियों में प्रदेश के युवाओं के लिए जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह ने बुधवार को इस संबंध में ये आदेश दिए कि बीते छः सितम्बर को यह निर्णय लिया गया था कि जिसे उनतीस सितंबर से लागू माना गया अब तक सीटेट पास युवा प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक और टीजीटी पदों की भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते थे ठीक है लेकिन विभाग के ताजा फैसले के बाद इनके लिए भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का रास्ता खुल गया इससे प्रदेश के एचटेट और एसटेट पात्र अध्यापकों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी चूंकि प्रदेश सरकार पहले ही जेबीटी भर्ती से किनारा कर चुकी है जेबीटी पी के पद स्कूलों में सरप्लस हैं मतलब उनके पास एक्स्ट्रा ही पद हैं तो खाली नहीं कर रहे।, ये कह रहे हैं हमारे पास खाली नहीं है लंबे समय तक दोनों श्रेणियों के पदों पर सरकारी भर्ती संभव भी नहीं है टी के पद भी बड़ी संख्या में खाली नहीं है जो पद खाली है उन पर भर्ती फिलहाल नहीं होने वाली है अगर सरकार भर्ती निकालती है तो सीटेट पास हजारों युवाओं के उसमें शामिल होने से जो हमारे प्रदेश के जो हरियाणा के जो शिक्षकों के लिए

एस्टेट और एस्टेट को मान्यता दिलानी चाहिए 2009 से 2020 तक उन्होंने पात्र अध्यापकों की लड़ाई प्रदेश में लगातार लड़ी है अब ये देखें मार्च तक HPSC करेगा 1300 सौ पदों पर भर्ती हरियाणा लोक आयोग का नोटिस में में सिफारिश की सरकार ने अपने अधीन संचालित स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सी लागू किया इसके आधार पर केंद्रीय विद्यालय सैनिक विद्यालय और नवेद्य विद्यालयों में भी शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं इस परीक्षा का पैटर्न एस्टेट एस और एस्टेट से बिल्कुल अलग होता है सी की जो परीक्षा है भाई वो दिसंबर से होगी तो आप जान लीजिए कि हरियाणा सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है आप इस फैसले से अग्री करते हैं देखो ऐसा नहीं होना चाहिए अगर हमारा स्टेट लेवल का टेस्ट है तो स्टेट लेवल के लिए ही मान्य रखो ये थोड़ी कि सी को भी यहाँ पर प्रेफर कर रहे हैं तो सी तो बहुत लोग हैं बहुत कैंडिडेट होते हैं अब जो बाहर के हैं वो भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं फिर तो ठीक है सो so, अगर आपका जो भी यहाँ पे कमेंट है वो सोच समझ के कीजिएगा एंड गाइज थैंक यू अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू